नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। आप सभी के लिए आज के करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट लेकर हाजिर हो चुका हूं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जैसे नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो बिना किसी वक्त को गवाए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया गया है? 30 जनवरी, 1 फरवरी, 31 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में सेलेक्ट करके लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं आपको जो है 10 सेकंड का एक सीमित समय दूंगा, जिस समय अंतराल के दौरान आपको जो है इसका आंसर देना है। तो देखते हैं आप पहले क्वेश्चन में कौन बाजी मारता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाए गए हैं? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आ रहा है साथियों, वो है आपके बी, 1 फरवरी को। हाल ही में भारतीय तट रक्षक दिवस जो है आपके 1 फरवरी को मनाया गया है। जिनका आंसर पहले में बी था उनका आंसर एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर दो का आंसर। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर होगा साथ ही आपके ए, कर्नाटक। हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। यहां पर जिनका आंसर ए था उनका आंसर एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है आप सभी को। हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपके बी, स्मृति ईरानी। हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा आपके सामने। हाल ही में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपके सी, तमिलनाडु। हाल ही में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को तमिलनाडु का जो है नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में हिल्टन वैलेंटाइन का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, गिटारिस्ट, गायक या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में हिल्टन वैलेंटाइन का निधन हुआ है, वे कौन थे? चलिए तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर जांच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आपके बी, गिटारिस्ट, जो कि गिटार बजाने में विशेषज्ञ थे। ठीक है, यहां पर हिल्टन वैलेंटाइन जो वैलेंटाइन का जो निधन हुआ थे वे थे गिटारिस्ट। पांचवे का आंसर बी वाला क्लियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटी डोपिंग रेफरेंस लॉन्च किया है? एंटी डोपिंग रेफरेंस किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसने एंटी डोपिंग रेफरेंस लॉन्च किया है? आपका आंसर जो है आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहां पर 10 सेकंड आपके जो दिए गए थे क्वेश्चन के लिए वो समाप्त हो चुके हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपके बी, किरण रिजिजू जो है
उन्होंने एंटी डोपिंग रेफरेंस लॉन्च किया है। तो 6 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं साथियों, 7वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ F-15X फाइटर जेट पर चर्चा शुरू की है? रूस, फ्रांस, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ F-15X फाइटर जेट पर चर्चा शुरू की है? रूस, फ्रांस, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके सी, अमेरिका। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ जो है F-15X फाइटर जेट पर जो है चर्चा शुरू की है। तो यहां पर 7 क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुके हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दिल्ली हॉट में एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? अर्जुन मुंडा, एम वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी और इनमें से कोई नहीं। इस बार बताना है आपका आंसर इनमें से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से जल्दी बताएं सभी। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा आपके बी, एम वेंकैया नायडू के द्वारा जो है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। यहां पर अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिएगा सभी, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी, महाराष्ट्र। हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। तो 9वां क्वेश्चन है यहां पर क्लियर कर चुके हैं हम। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में किस देश ने 1 साल के आपातकाल की घोषणा की है? इजराइल, म्यांमार, उत्तर कोरिया और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इस बार देखते हैं आपका कौन सा आंसर सही है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आपके बी, म्यांमार। हाल ही में म्यांमार ने 1 साल के आपातकाल की जो है घोषणा की है। तो यहां पर 10 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी एनीवेयर एजुकेशन लिखें और फॉलो करें। इस पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। इन सभी का लिंक जो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आजादी के बाद पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में आजादी के बाद पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा सी आपके, निर्मला सीतारमण के द्वारा आजादी के बाद जो पहला पेपरलेस बजट इन्होंने जो है जारी किया है, पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12वां। हाल ही में सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 62%, 64%, 81% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 12वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी, 74%। ठीक है, 49% से बढ़ाकर इसको जो है 74% तक कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
13वां क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? राम मोहन राव, ओमकार गर्ग, आर एस शर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देखिए 13वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आपके सी आर एस शर्मा। आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ जो बने हैं वे हैं आपके आयुष्मान सॉरी आर एस शर्मा। तो 13 क्वेश्चन क्लियर। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से जल्दी बताएं सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपके बी रामनाथ कोविंद के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई है। 14 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूवी रेज से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? हाल ही में यूवी रेज से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? जयपुर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सभी कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी। तो देखिए यहां पर 15वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपके सी लखनऊ मेट्रो। यूवी रेल से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? लखनऊ मेट्रो। तो आज के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं साथियों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा हेल्पफुल लगा होगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको ये डेली की सीरीज कैसी लग रही है, और आप इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। हमारे वीडियो को अच्छा लगा है आपको तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है एनवीर एजुकेशन लिख के जरूर सर्च करें और हमें हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ मैं संपत लल्लड आपसे अलविदा ले रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।